और चुनाव खत्म होते ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। लेकिन हर गांव के नेता एक जैसे नहीं होते हैं। कई गांव के नेता आदर्श प्रधान और बहुगुणा जैसे नेता भी होते हैं जो विकास की नई कहानी लिख जाते हैं। तो चलिए हम आपको सीधे मिलाते हैं आदर्श प्रधान से। शक्ति फार्म में शक्ति फार्म से सिरसा मोड़ तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा के कार्यकाल में किया जा रहा है। अगर हर गांव के विधायक ऐसे हो तो उस गांव का विकास ही विकास होगा। इस संबंध में शक्ति फार्म मंडल के महामंत्री भाजपा मयंक अग्रवाल ने कहा, शक्ति फार्म से सिरसा मोड़ तक सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है जो कि विधायक सौरभ बहुगुणा के कार्यकाल में किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से सड़क का कार्य चल रहा है और आने वाले मार्च और अप्रैल के बीच हमें सड़क पर सुचारू रूप से चल पाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि शक्ति फार्म के जेल कैंप और सिडकुल के बीच एक पोल का निर्माण कार्य भी चल रहा है जिसे सिडकुल में काम करने वाले लोगों को आने जाने की कोई परेशानी ना हो और आने वाले समय में शक्ति फार्म में ऐसे बहुत से विकास कार्य होंगे। सबसे पहले आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने इस मुद्दे को मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहा, क्योंकि होता क्या है कि मीडिया अधिकतर क्षेत्र में हो रहे जो विपक्ष के मुद्दे हैं उसको दिखाने में ज़्यादा वो रहती है। आपने पहली बार इस क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको दिखाने का प्रयास किया। और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुड़ा जी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सड़क को पास कराने के लिए, इसमें कई सारे अड़चने थे, जैसे आप देख पा रहे हैं ये सड़क जो पीछे की सड़क है ये पूर्ण रूप से जंगल विभाग की सड़क थी जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से लोक निर्माण विभाग में ट्रांसफर करने के लिए माननीय विधायक जी ने देहरादून और शक्ति फार्म स्थानीय विधानसभा के कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, प्रत्येक अधिकारियों के पीछे लग लग के इस कार्य को पास करवाया। आप देख पा रहे हैं अगर जो भी इस सड़क पे इतनी तेज़ी से काम चल रहा है, आज से कुछ समय पूर्व सड़क पे चलने की हालत नहीं थी, आए दिन दुर्घटनाएँ होती थी और हमसे पहले कई पीढ़ियों ने इस सड़क को बनाने के लिए संघर्ष किया, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, दुर्घटना भी हुई है। उसको देखते हुए माननीय विधायक जी ने सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सड़क को पास करवाया और इस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके द्वारा हमें जानकारी दी गई है कि इस सड़क को मार्च तक 10 किलोमीटर का, इसका जो टोटल 15 किलोमीटर सड़क है, 10 किलोमीटर मार्च तक कम्प्लीट कर दी जाएगी और उसके बाद अप्रैल मई तक हम इस सड़क पर सुचारू रूप से चल पाएंगे, जिसका लोकार्पण हमारे क्षेत्र के विधायक यहाँ पर करेंगे। और हम जनता के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। विपक्ष का कहना है कि 3 महीना काम होता है, 3 महीना बंद होता है, ये तो दिखावा ही पहले। विपक्ष का काम है कहना और हमारा काम है करना। विपक्ष के कोई भी नेता, आप मीडिया बंधु हैं, आपसे निवेदन करूंगा इस सड़क पे जितने 15 किलोमीटर है आप मीडिया के माध्यम से दिखाइए काम किस स्पीड से चल रहा है। और हम लोग दावे के साथ कहते हैं, जैसे माननीय विधायक जी ने टैगोर नगर में कहा था, एक स्टेडियम में कहा था खेल के दौरान, यदि सौरभ बहुगुणा इस सिरसा सड़क को नहीं बना पाएंगे तो हम क्षेत्र में लोगों से वोट मांगने ही नहीं आएंगे। उसी के आज हम लोग उनके अनुरूप उन्होंने इस प्रण को लिया और काम तेज़ी से हो रहा है। और हम आज भी कह रहे हैं यदि ये सड़क इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले पूर्ण नहीं होती है तो हम जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। कब तक तैयार हो जाएगा ये सड़क? ये सड़क अप्रैल मई तक हम इस पर सुचारू रूप से चल पाएंगे और जो इसका आधे से अधिक हिस्सा है वो हमें मार्च से कंप्लीट मिल जाएगा। आप युवा नेता भी है और आने वाले 2022 का चुनाव भी है, क्या रणनीति और क्या एजेंडा है? हमारी देखिए 2017 का जब इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा था माननीय विधायक जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो हमारे 3 मुद्दे सबसे प्रमुख थे। सबसे पहला सिरसा सड़क था, दूसरा जो हमारा एक और मुख्य मुद्दा जो है वो सूखी नदी पर पुल है, वो भी अपने आप में बहुत तेज़ी से काम उसमें आप चल रहा है। आप कभी आपको मौका मिले आप वहाँ जाएँ, आपसे निवेदन करूँगा आप उस चीज़ को भी प्रकाशित करें। और जो तीसरा मुद्दा था भूमिदरी वाला, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज इतने वर्षों से हमारे यहाँ के लोग हैं, रह रहे थे बंगाली बंधु हैं यहाँ पर रहने वाले, जिनको अलॉट हुई थी जो भूमि पट्टे की, आज उनको मालिकाना हक मिल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको भी माननीय विधायक जी के, उन्होंने सपना देखा था कि यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालिकाना हक मिले। और भूमिदरी में सबसे बड़ी भूमिका माननीय विधायक जी के जो पिताजी हैं पूर्व CM श्रीमान विजय बहुगुणा जी की है, उन्होंने बहुत ही अपने इस जिम्मेदारी को समझा और इस कार्य को कराया।